मैच कास्ट पर आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो है बीएससी बायो या जो है बीएससी मैथ या जो है बीए एलएलबी में जो है एडमिशन लेने के जो है प्रोसेस में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम। आपको पता होगा आप लोगों ने जो है फर्स्ट काउंसलिंग कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है आप लोगों ने। क्या है कि उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कब आएगा उसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर रिजल्ट आया और उनको कैंपस नहीं मिला तब वो क्या कर सकते हैं, प्लस ये भी कि जिन्होंने जो है कैंपस को ना चूज करके जो है अपलेटेड कॉलेज को भी चूज किया था तो उनका क्या होगा अगर उनको अलॉटमेंट हो चुका होगा। तो ये सब सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक। और उन्हें सेकंड काउंसलिंग तक रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। क्या थर्ड काउंसलिंग भी होगी ये भी मैं बताऊंगा आपको। आपको जो है सभी जानकारी जो है एक ही वीडियो में इसी में मिल जाएगी, ठीक। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर से सुनना होगा, ठीक। अगर फिर भी यहाँ से कुछ ना समझ में आएगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके या आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके वहां पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। सारी सुविधाएं आपको जो है मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, ठीक, मुझसे जुड़ने के लिए। चलिए अब जानिए जो है आप सभी लोगों को बता दूं जो है आप सभी लोगों का जैसे बीएससी मैथ का जो है कल ही, तो चलिए सबसे पहले जानिए बीएससी मैथ स्टूडेंट के लिए तो उनका जो है कल ही जो है रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट जो है अलॉटमेंट का, मतलब जो है फर्स्ट में कौन कौन से बच्चे हुए हैं कौन कौन से नहीं वो उनको पता चल चुका हो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लेकिन मैंने सोचा इस वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक। क्या है अब जो है जिन्हें जो है कॉलेज मिला है वो तो उनके लिए जो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको कॉलेज मिल चुका है, आप लोग का उस हिसाब से रैंक था। अब जिन्हें नहीं मिला है उनसे जो है थोड़ा बहुत जो है नीचे जो है रैंक वाले स्टूडेंट हैं तो वो लोग जो है सेकंड में जो है अप्लाई करेंगे। अगर जिन्होंने जो है क्या है कि काउंसलिंग जो है किया था और यूनिवर्सिटी को ही चूज किया था सिर्फ जो है तो उनके लिए जो सही है वो सेकंड राउंडिंग में जो है आप लोग जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर वो लोग जो है क्या है कि सेकंड के अलावा अगर जो है अदर कॉलेजेस को जो है चूज किए हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है अपग्रेडेशन का जो है ऑप्शन आएगा, वहां से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सी सारी सुविधा है। अब जाने जो बीएससी बायो वाले स्टूडेंट और बीए एलएलबी का इनका कब तक आएगा तो इनका जो है क्या है आज जो है आउट हो जाएगा, आज आप लोगों का रिजल्ट जो है फर्स्ट जो है काउंसलिंग का आ जाएगा, ठीक। आप लोग जाकर के चेक करेंगे वो कितने बजे से आएगा ये भी आप लोगों को बता दूं जो है, और कैसे चेक करेंगे ये तो मैं ऑलरेडी बता के रखा हूं लेकिन फिर भी अभी जो है बता दूंगा कि जो है आपको कहां से वीडियो मिल जाएगा, ठीक। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाकर के चेक कर लीजिएगा। क्या है कि उनका जो है तीन बजे तो क्या है आप लोग 3 बजे से लेकर के जो है आप लोग जो है चेक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 बजे तक जो है आप लोगों के जो है बीएससी बायो का और जो है बीए एलएलबी 5 ईयर्स का जो है या बीएससी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी एलएलबी जो भी एलएलबी आप लोग करना चाहते हैं तो सभी लोगों का जो है आउट हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग जो है चूज कर लीजिएगा जिन्हें कैंपस मिला है तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मेरे तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और जिन्हें कैंपस नहीं मिला है उन्हें क्या करना है उन्हें जो है सेकंड जो है काउंसलिंग की वेट करनी पड़ेगी, वो भी जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ ये प्रोसेस पूरा हुआ इसके बाद जो है वो सेकंड काउंसलिंग भी आप लोगों का जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, वहां पर आप लोग जो है काउंसलिंग करिएगा। और जिन्होंने जो है काउंसलिंग के समय समय जो है क्या है उन्हें नहीं पता था तो वो लोग जो है कैंपस को चूज करने के अलावा भी जो है अपलेटेड कॉलेज भी चूज कर दिए एक दो, तो क्या है यूनिवर्सिटी का यही जो है सबसे खराब आदत है और अच्छी भी आदत है कि वो जो है अपलेटेड कॉलेज आपको दे देगी पहले से आप कराएंगे सही। आपको क्या करना होगा जब आपको अपलेटेड कॉलेज मिल जाएगा तो आपको अपग्रेड करना होगा, अपग्रेडेशन का जो है ऑप्शन आएगा वहां से अपग्रेड करेंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी जो भी पेमेंट जो भी फीस लगेगा उसे आप लोग जो है पेमेंट करिएगा, ठीक। अपग्रेड करिएगा सेकंड काउंसलिंग में जो है आप लोगों को जो है सेकंड राउंड में जो है आप लोगों को हो सके जो है सीट मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो थर्ड तक जो वेट करिएगा, ठीक। बाकी एक अपलेटेड कॉलेज जो है चूज कर लीजिएगा कि आपको यहाँ एडमिशन करवाना है, अपलेटेड कॉलेज में डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी के थ्रू जाइए, ठीक। वहां पर जाएंगे आपको डायरेक्ट भी एडमिशन जो है लोग देते हैं अगर जो है सीट रहती है, तो ये चीज करना होगा। और आपको फीस पेमेंट करने की जो है डेट कब तक है तो आपको 29 तारीख जो है लास्ट डेट है, 29 तारीख 12 बजे तक जो है आपको फीस पेमेंट करना होगा। जिन्हें जिन्हें जो है कैंपस मिल चुका है वो लोग फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट आपको जो है 2 दिन आप लोगों के लिए जो है टाइम दे दिया जाता है कि हो सके आपके पास उस समय ना रहे तो बाद में आप व्यवस्था करके जो है फीस पेमेंट कर दीजिएगा, जो भी पेमेंट जो है स्टार्टिंग में लगेगा जो स्टार्टिंग में जो है 2-4-6 हजार जैसा भी आप लोगों का जो है लगे, ठीक। बीएससी बायो का अलग लगेगा, ऐसे ही जो है बीएलएलबी का अलग लगेगा, ठीक। तो सारे ऑप्शन ऐसे ही है। और जो है आप लोगों को बता दूं सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो है रुकना चाहिए,
तो आपको जो है जो रैंक जो आएगा उसके अगर आप लोग अगल बगल है थोड़ा जो है आप लोगों ने जो है अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा नंबर लाया है, आप लोगों ने जो है मिला लिया है आंसर की, तो आप लोग रुकिएगा और जरूर करवाइएगा। ठीक, आपकी बार ना मिले तो हो सके आपकी बार जो है मिल जाए। ठीक, अगर आपको यहाँ भी ना मिलेगा तो थर्ड भी रुकिएगा, काउंसलिंग होते रहते हैं 4 राउंड तक भी जो है जहाँ तक जो है जाते रहते हैं अगर सीट रहती है तो। ठीक, आज का वीडियो यही तक था, बाकी और कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, उस पर वीडियो चाहिए तो वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक, और कैसे चेक करना है कैसे नहीं चेक करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, जो कि नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से चेक करके आप लोग जो है उस पर वीडियो पे जाइएगा, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। ठीक, थैंक यू।